मेरे साथ हरासमेंट की है, जो कि एक बाप समान मेरे ससुर हैं। मैंने इनकी बहुत रिस्पेक्ट करी है, जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए था। शर्म आ रही है सुन के? मैंने सब गलत बोल दिया अंकल। हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। देखो उम्र है, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूँ, इज्जत लो। तुम लोग हो कौन पहले ये बताओ। इज्जत से बात कर रहा हूँ, मैं इतना बता रहा हूँ, इज्जत से बात कर रहा हूँ। मुझे किस लिए बुलाया है यहाँ पे? आपको नहीं पता मैंने यहाँ पे आपको किस लिए बुलाया है? मुझे क्या पता, आप बताओ। पापा जी आप भी जानते हो जिस तरीके से ये हरकतें घर में चल रही थी, वो तरीका बिल्कुल सही नहीं है घर में रहने के लिए। क्या गलत है? आप हफ्ते से घर से निकले हुए, आपने एक बार फ़ोन नहीं किया, बताया नहीं कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही है। ये कि बहू के गुड मैनर्स होते हैं। आप भी जानते हो कि आपने क्या किया है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं कहाँ क्या गलत किया ये तो पता चले ना, कहाँ गलत है, क्या गलत हुआ, क्या गलत किया है? जो उस दिन किया आपने, उस दिन के बाद से मेरे सर के ऊपर से पानी चले गया और मुझे घर छोड़ना पड़ा। ये मेरा घर है, मैं जैसे मर्जी करूँ, जैसे मर्जी रहूँ, जैसे मैं रहूँगा वैसे रहना पड़ेगा। आपको पता है मैंने कुणाल को भी फ़ोन किया था और उन्हें सारी बातें बताई, बट उन्होंने आपकी ही बातें सुनी। तो मेरा बेटा वो मेरी बात सुनेगा, मेरी बात ही मानेगा, वो जैसे मैं कहूँ वैसे करेगा वो। तो मेरे पास कोई भी ज़ारा नहीं बचा ना किसी भी चीज़ का, घर में रुकने का या किसी भी चीज़ का रहने का। मैं ये चीज़ें नहीं झेल सकती, मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इन चीज़ों को लेके। लेकिन ये मेरा घर है, जैसे मैं कहूँगा वैसे करना पड़ेगा, वैसे चलना पड़ेगा। पापा पर ये तरीका बहुत ही गलत है, मैं इस तरीके से नहीं रह सकती इस घर में। नहीं रहना पड़ेगा आपको इस तरीके से। मैं नहीं, कुणाल से भी बात हो गई थी, मैंने कुणाल को भी समझाया, आरती बता दिया उसको। आपने पता नहीं उन्हें क्या भड़काया है, वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने कुछ नहीं भड़काया उसको, मैंने कुछ नहीं कहा उसको। मैंने आपको इसलिए ही बुलाया है, आपकी आपने जो भी किया है वो बहुत गलत किया है और ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। नहीं मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे बताओ मैंने क्या गलत किया। ऐसा आपको लग रहा है कि आपने गलत नहीं किया, बट आपने गलत किया है, इस चीज़ को मानो पापा जी। कहाँ गलत किया मुझे बताओ सही, क्या किया गलत मैंने? उस दिन जो हरकत हुई वो नहीं करनी चाहिए थी आपको। नहीं वो मेरा घर है, मैं जैसे मैं हरकत करूँ जो मर्जी करूँ, मेरा घर है वो, मैं जैसे कहूँ वैसे चलना पड़ेगा आपको। आपको ये चीज़ें ठीक लग रही है, पर एक लड़की के लिए ये चीज़ें नहीं है ठीक। मुझे पता है मैं एक लड़की हूँ, मुझे पता है गुड टच बैड टच क्या होता है, और आप जिस तरीके से घूरते हो, जिस तरीके से मुझे अपने बेडरूम में बुलाते हो, मेरे लिए इससे शर्म की बात और कुछ नहीं है। मैंने गलत क्या किया है बताओ ना। आपको इतना बताने के बावजूद भी नहीं पता चल रहा कि आपने गलत क्या किया है? मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये मेरा घर है, मेरे साथ चलना पड़ेगा आपको। ऐसा आपको लग रहा है पापा जी, ऐसा आपको लग रहा है? मेरी कुणाल से भी बात होगी, मैंने कुणाल को भी बोला है अर्ची के बारे में, बताया उसको अर्ची। वो तो आपकी ही सुनेंगे ना। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसी ही बहू की जरूरत थी तो अपने बेटे से बोलते ना, फिर वैसी ही लड़की लाता। मैं गलत कहाँ कर रहा हूँ ये बताओ ना मुझे। मेरी कुणाल से भी बात होती है, मैं कुणाल को भी बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं गलत कहा नहीं कुछ उसको। आपका बेटा है, आपकी सुनेगा, मेरी वो क्यों सुनेगा? कुणाल ने मेरी एक भी बार बात नहीं सुनी है। नहीं मेरा घर है, मैं जैसे चाहूँगा तुम्हें वैसे रहना पड़ेगा। हाँ जानती हूँ आपके तरीके से ये घर चलेगा, पर मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जिस तरीके से आप चाहते हो कि मैं इस तरीके से रहूँ। मैं आपके बेटे के साथ शादी करके आई हूँ बहुत इज्जत के साथ, तो मैं उन्हीं के साथ रहूँगी ना। नहीं नहीं जैसे मैं चाहूँगा आपको वैसे ही रहना पड़ेगा यहाँ। पर ये गलत है पापा जी, आप इस चीज़ को मानिए, इस चीज़ को समझिए। नहीं नहीं जैसे मैं कहूँगा आपको वैसे ही रहना पड़ेगा, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब कहीं गलत हो तो मुझे बताओ। क्या अगर आप मेरी जगह आपकी बेटी होती तो उसके भी साथ आप ऐसे ही करते? नहीं क्यों करता, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ। अच्छा आपको ऐसा लगता है कि आप गलत नहीं हो, पर आप गलत हो पापा जी, इस चीज़ को मानिए। नहीं 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 मैं कहीं गलत नहीं हूँ, इस घर में जैसे मैं कहूँगा आपको वैसे ही रहना पड़ेगा, इस बात को आप भी समझते हो। मुझे ऐसे ना रहना है, ना मैं उस तरह की लड़की हूँ, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। मैं यहाँ शादी करके बहुत ही इज्जत के साथ आई हूँ, और मुझे ऐसे घर में नहीं रहना जहाँ मेरी रिस्पेक्ट ना हो। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर बुलाया आपने, इसीलिए मुझे यहाँ पर बुलाया। चलो घर चल के बात करते हैं। छोड़िए मुझे। अंकल क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो अंकल? कुछ नहीं, हमारा घर का मामला है। घर का मामला इस तरीके से आप लड़की का हाथ खींच के ले जा रहे हो? ये मेरी बहू है। बहू है तो बहू के साथ ऐसा कौन करता है? क्या कर दिया मैंने? क्या कर रहे थे अभी? आप क्या कर रहे थे अभी? आपने हाथ पकड़ के तो खींचा है क्या? तुमने इसलिए यहां पे बुलाया? उनसे क्या बात कर रहे हो? उन्होंने नहीं बुलाया आपको, आपको हमने बुलाया। इसलिए बैठ के बात करो, पहले बैठ के बात करो। बैठो बैठ जाओ। नहीं आप कौन हो? दो आगे बात करो। बैठ के बात करो, बता रहो, धक्का मत दो, हाथ मत लगाओ। नहीं तो इज्जत समझ नहीं आ रही। बैठ के बात करो, अंदर बैठ जाओ। इज्जत से बैठने को बोल रहा हूं, बैठ के बात करो। क्या कर रहे हो? कौन है ये? कौन लोग हैं ये?
आवाज नीचे नहीं कौन लोग आवाज नीचे इसलिए मना कर रहा था ना मैं पार्क में इधर बात करो ना अंकल इधर बात करो आप कौन लोग क्या कर रहे हो आप इसके साथ क्या कर रहा मैंने मेरी बहू है ये घर की बहू के साथ ऐसे कौन कर रहा है घर से हफ्ते पहले निकल गई पता है ये तो पता निकली क्यों है नहीं तो ये इसे बुलाया गया तूने पहले इधर देख के बात करो इधर आप लोग कौन हो मैं आप लोगों को नहीं जानता उसके साथ क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो मेरे साथ मेरे घर की बहू है घर की बहू के साथ ऐसे कर आज हफ्ते हो गए बाहर निकली घर से दो मिनट आवाज नीचे बोल करके बोल रहा सुनो आप लोग कौन सुन इधर सुन अरे भाई सुनाओ तूने क्या किया है बोलना क्या किया इन्होंने मेरे साथ हरासमेंट की है जो कि एक बाप समान मेरे ससुर है मैंने इनकी बहुत रिस्पेक्ट करी है जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए था सर हम आ रही है सुन के मैंने सब गलत बोल दिया अंकल इधर हाथ मत लगाना हाथ मत लगाना देखो उम्र है रिस्पेक्ट कर रहा हूँ इज्जत दे रहा हूँ इज्जत लो तुम लोग हो कौन पहले ये बताओ इज्जत से बात कर रहा हूँ मैं इतना बता रहा हूँ इज्जत से बात कर रहा हूँ एक बात बताओ मेरे घर की बहू है मैंने कोई गलती नहीं की साथ ऐसे कौन करता है इतना बताओ बस कहा गलत झूठ बोल रही है झूठ बोल रही है आप सच बोल रहे हो मैं सच बोल रहा हूँ आप सच बोल रहे हो तुम बताओ क्या सच मेरे बेटे को फोन मिलाओ क्या बताएगा आपको सच बेटे को तो भड़का रखा है तुमने क्या बोला आपके हस्बैंड से इन्होंने इन्होंने बोला है कि मैं नाइट आउट पार्टीज करती हूँ घर पे लौट कर वापस भी नहीं आती हूँ रात रात भर बाहर रहती हूँ लड़कों के साथ घूमती हूँ झूठ बोलती है अच्छा ये भी आपने नहीं बोला अपने बेटे से मतलब नहीं मैंने कुछ नहीं बोला बेटे से चलो आपका पापा जी झूठ मत बोलिए आपका बेटा उससे जो चीज आपने जितना भी झूठ बोला ये सारी चीजें बोली है क्या सच है मैंने कुछ नहीं बोला बेटे से अपने मैं झूठ क्यों बोलूंगा वो मेरा बेटा जो जो ये बोल रही है अभी तक जो जितनी बातें इसने बताई ए टू जेड जो भी इसने बोला एक एक चीज क्या ये गलत है इतना ये सब गलत है झूठ बोल रही है आप सच बोल रहे हो मतलब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ अभी जो आप इसके साथ कर रहे थे पिछले 10 मिनट से बैठ के यहाँ कर रहे थे ये क्या था? मैं पहले पार्क में आने के लिए मना कर रहा था ये मेरा घर है मैं अपने हिसाब से रहूंगा कैसे बुलाया था तुमने उसने क्या बुलाया था उसने नहीं हमने बुलाया चार बार समझाऊं तुम्हें तुमने किसी बात अपने हिसाब से रहो लेकिन उसके साथ जो तुमने किया तो मेरी बहू है घर की कौन करता है घर की बहू के साथ ऐसा मेरा बेटा यहाँ पे नहीं है घर से पैसे कैसे निकल गई है कैसे निकल गए जो तुमने ऐसी हरकत की तुम्हारा बेटा अगर यहाँ पे होता ना हिम्मत होती तुम्हारी करने की तो मेरे बेटा यहाँ पे नहीं है मैं हूँ तो मैं बाप क्या करो मैंने क्या गलत किया इसके साथ आप बाप की तरह रहो ना मैंने गलत गलत किया क्या गलत नहीं झूठ बोलती है बताना क्या क्या किया इन्होंने आपके बेटे यहाँ पे नहीं इसी चीज का तो आपने फायदा उठाया है मेरी क्या फायदा उठाया मैंने चुपचाप सुनना पहले बता रहा हूँ उम्र का लिहाज कर रहा हूँ चुपचाप सुन पहले यहाँ चीख के मत दिखा किसी नहीं नहीं इसी बुलाएगा बेस्ती करवाने के लिए यहाँ पे आवाज नीचे इधर देख के हाथ अड़ाओ दूर करो दूर बात करो लगाया नहीं है हाथ अभी लगाया नहीं लगाऊंगा दिक्कत दूर बात करो हटो बैठो यहीं बैठो क्या कर लोगे खड़े हो क्या कर लोगे अभी उम्र समझ नहीं आ रही उम्र के लिहाज कर रहा हूँ तो क्या इसीलिए बेस्ती कराने के लिए बुलाया था मुझे इज्जत है तुम्हारी पापा अब तो एक्सेप्ट करो कि आपकी गलती क्या है जो चीज किया बताओ तुझे तूने क्या किया अपने बेटे को भड़का भड़का क्या बढ़ाया उसके कानों में मैंने कुछ नहीं बोला उसके बेटे मेरा बेटा है मैंने कुछ नहीं बोला उसको लेट नाइट आती है लेट नाइट जाती है ये सब किसने बोला उसे मैंने कब बोला उसको मैंने नहीं बोला पापा बस भी कीजिए अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है शर्म आ रही है झूठ बोलने की जरूरत नहीं है उम्र का लिहाज शर्म क्यों आएगी इतना सुन बस उम्र का लिहाज मेरा घर है मेरे घर की बहू है तुम बोलो क्या बोलने वाले तुम बोलो क्या बोलने वाले मैं कौन हूं बता दूंगा ना फिर भागेगा यहां से उठ के तुरंत मैं क्यों भागूंगा उठ के भागेगा तुम बताओ तुम कौन हो क्यों फड़फड़ा रहा है इतना इतना मत उड़ो नीचे रहो अपनी गलती फालतू का बोल रहा है इधर देख के बात कर समझ नहीं आ रही बात मुझे समझ नहीं आ रही मेरी बहू है घर की मैं लेके जा रहा हूँ एक बात बता जो तूने इसके साथ किया है अब पुलिस में कंप्लेन करो तेरे खिलाफ मेरे साथ इधर देख में गई क्यों नहीं है जाती पुलिस में इसलिए नहीं गई ना तुमने इसका फायदा उठाया ना किसका साथ कोई नहीं है वो अकेली है इसी मजबूरी का फायदा उठाया इसी मजबूरी का फायदा उठाया वो मेरा बेटा है मेरा घर है मेरी बहू है पहले शांत हो जाओ अभी जवानी अभी तक उम्र हो गई है शर्म कर लो भगवान का नाम लो इन चीजों से देखो वो जो चीज बोल रही है ना अगर मैंने प्रूफ कर दिया ना फिर ज्यादा दिक्कत क्या प्रूफ है मुझे बताओ ना क्या प्रूफ है प्रूफ की देखो अंकल बात मत करो बात अगर ऐसे ही खत्म हो जाए ना बिना प्रूफ के बहुत अच्छा होगा मैं इतना समझाने की कोशिश करूँ नहीं नहीं मुझे प्रूफ बताए ना फिर मैं मानता हूँ प्रूफ है कुछ पता चले मेरे प्रूफ दूंगा अंकल प्रूफ दूंगा बहुत दिक्कत हो जाएगी बहुत दिक्कत हो जाएगी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ अंकल अंकल बोल के बात नहीं मैं जब गलती नहीं हूँ तो क्या गलत हो जाएगी ये घर से गई है बिना बताया गई है तुम सही हो हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ बता भाई से सही है कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो इतना तगड़ा झूठ बोलने का शर्म नहीं आती बिल्कुल भी शर्म नहीं आती मेरा बेटा है मेरी बहू है एक बात बता एक बात बता तूने घर घर की बात कर रहा है घर घर की बात कर तेरा घर है अपने तरीके से रखेगा क्या एक बात बता मैं अपने घर में तुझे बुला के गलत मेरे घर में आप तेरे साथ करूँ गलत तुम लोग हो कौन पहले बताओ मेरी बहू है मैं उससे बात करूँ तुम इसलिए बुलाया मेरी बेइज्जती करने के लिए तेरी इज्जत है क्यों नहीं इज्जत मेरी दिखाओ तेरी दिखा मेरी इज्जत देख अपनी इज्जत तेरी इज्जत ये है अच्छा ये मेरी बेइज्जती करने के लिए कैमरे इसलिए यहाँ मुझे बुलाया जो पिछले 20-25 मिनट से तुझे झूठ बोल रहा है बैठ के यहाँ पे क्या पागल दिख रहे हो तुझे यहाँ पे नहीं तुम क्या तुझे पागल दिख रहे हो
अब तो अपने गिरेबान में झांक कर देखिए पापा जी। गलती मानना तू, गलती बता, अब तो गलती मान अपनी बेशरम इंसान। नहीं मैं कहीं गलती नहीं हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोला, ना बेटे को बोला ना कुछ बोला। बस भी कीजिए पापा जी, ये वीडियो तेरे बेटे को भेजूं? भेजू तेरे बेटे को? शरम आती है कि नहीं आती? बिल्कुल भी शरम आती है कि नहीं आती, इतना बता। ये भेजू तेरे बेटे को? नहीं नहीं, भेजने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? क्यों नहीं जरूरत? क्यों नहीं जरूरत? तेरे कहने से घर की, हमारे घर की प्रॉब्लम, बैठ के उल्टा लेंगे। प्रॉब्लम है, तू तो बहू को निपटाने के चक्कर में। अपनी बहू के साथ कर रहा हूँ। ये मेरे बेटे को भेजने की जरूरत नहीं है कोई चीज। ये हम बैठ के, ये मेरे घर का मैटर है, समझा लेंगे। घर जाओगे? आपने तब नहीं सोचा ये घर का मैटर है जब ये हरकतें? जब ये तो हरकतें कर रहा था उस टाइम कहाँ थी? नहीं नहीं, मैंने कोई गलत हरकत नहीं की है। इस चीज को पापा जी एक्सेप्ट नहीं है। तेरे बेटे को भेजना? नहीं, बेटे को भेजने की जरूरत नहीं है। अब तो भेजूंगा, देख अब तुझे जो करना है वो कर लियो। मेरे बेटे को तेरी जो इज्जत है ना, ये हम लोग घर में अभी इज्जत की बात कर रहे हैं। घर में हम बैठ के नहीं बैठ लेंगे, तेरे घर में जाएगी भी नहीं। बात ले जाके दिखा ले तू, तेरे बस के तू उठा के ले जाए यहाँ से। रोशन भाई बात तो, चलो घर चलते हैं। घर चलने बता रहा हूँ, इस चीज को एक्सेप्ट करिए। हमारे घर की बहू है और मैं घर ले जा रहा हूँ। इज्जत इज्जत इतनी कर रहा हूँ, इसीलिए बुलाया था मुझे यहाँ पे। बेइज्जती करने के बुलाया था? बहू करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हाथ लगाया फिर मैं हाथ लगाऊ तुझे, वो फिर दिक्कत हो जाएगी तुझे, बता रहा हूँ मैं। उमर का लिहाज कर रहा हूँ, सिर्फ बहू है हमारी। आप दूर रहो, आप लोग बहू बहू क्या कर रहे हो आप लोग? क्या इतनी देर से फिल्म बेचने की जरूरत है? अभी 10 मिनट से क्या बोल रहा था? 10 मिनट से क्या बोल रहा था? मेरे घर की बहू है, यही बोल रहा था। बहू थी पापा जी, अब नहीं हूँ मैं। अब वो तो तेरे बेटे ने जो किया ना तेरी बातों में आके, चल वो तेरे को अपना बाप समझते, चल तू उसका बाप है, लेकिन जो चीज तूने किया ना वो तेरे ऊपर भरोसा करता है। इतनी तो शर्म कर लेता अपने बेटे की बीवी के साथ। भाई अभी भी नहीं मान रहा, अभी भी नहीं मान रहा, कह रहा मैंने किया ही नहीं है कुछ। सोच कितनी छोटी है, मैंने तो नहीं किया, लेकिन ये फिल्म मेरे बेटे को भेजने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा था। तेरे बेटे को नहीं, पूरे पड़ोस को भेजूंगा, जो करना वो कर लियो। बता दो पुलिस, अब यहाँ से जा, अब देख पुलिस आएगी तेरे घर पे, जा यहाँ से उठ के जल्दी निकल। मैं अपनी बहू को लेके जाऊंगा। अरे वही जाएगा, तेरी बहू जाएगी तेरे साथ। तेरी हाथ लगा के दिखाना बजाए यहीं पे, फिर बोलियो तू लगा आप बहू करने से कोई फायदा नहीं है। खड़ा हो, निकल यहाँ से, अपनी बहू को लेके जाऊंगा मैं। आओ जा, हाथ डाले, चल बेटे घर चल। अरे बेटे, कोई बेटा बेटा नहीं, मेरे को आपके साथ बिल्कुल नहीं जाना है। तुम्हारे घर बेटे को अपने घर, इसलिए आज शायद आपके यहाँ पर बेटी नहीं है। तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, हम निपटा लेंगे अपना। जरूरत नहीं है पुलिस को बुला, कॉल कर समझे ना। नहीं फिर वही बात, उठ के निकल यहाँ से, फिर निकल, जल्दी उठ के निकल, जल्दी बात। मैं कॉल फिर मैं जा रहा हूँ, फिर बाद में बात करता हूँ। छूने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन ये बात ठीक नहीं, तुम लोग बुला के बेइज्जती करिए, समझिए ना। इज्जत है तेरी, निकल यहाँ से, जा। So guys, आप लोगों ने वीडियो में देखा कि इतनी छोटी सोच रखने वाले लोग, इतनी घटिया सोच के लोग भी हमारी सोसाइटी में है कि मतलब अपने घर के लोगों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। मतलब इतना भी शर्म नहीं किया कि उनके बेटे की बहू है, उनके बेटे की बीवी है, और ये सारी चीज़ें अपने हस्बैंड को भी नहीं समझा पाए कि इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है। देखो आप भी जानते हो, किसी को समझाने के लिए इंसान सामने होना चाहिए। मैं इतनी सारी बातें फ़ोन पर नहीं कर सकती थी, और कहीं ना कहीं आप ये भी जानते हो कि मेरे आने से पहले उनके फादर उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ, इस चीज़ से मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ कि उन्होंने मतलब मेरे पे नहीं ट्रस्ट करा। कम से कम जितना भी हमारे बीच में प्यार था, जो भी था, एक इतना सा भरोसा वो रख सकते थे कि मेरी बात सुने या समझें, एक बार उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। बट उन्होंने नहीं समझी, ठीक है। बट अब जो हो गया अच्छे के लिए ही होता है, कम से कम इससे ज़्यादा बुरा होता उससे पहले ये सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। डिसीजन लिया, कल को क्या पता कुछ ज़्यादा बुरा हो जाता। कि उनके दिमाग में तो यही थी कि आपका कोई नहीं, आपका साथ देने वाला कोई नहीं, वो इसी चीज़ का फायदा उठा रहा था, और कोई बात नहीं थी। यही बाकी ये वीडियो मैं आपको दूंगा, अपने हस्बैंड को दिखा देना, अपनी फैमिली को दे देना, जो भी आपको प्रूफ की नीड थी हमने कर दिया। हाँ, मैं जरूर दिखाऊंगी जरूर, बट मैं इस रिश्ते में अब रहना नहीं चाहूंगी, क्योंकि जहाँ एक वो आपका डिसीजन है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात, ठीक है, तो वो आप देख लेना भी मत वैसे। बिल्कुल, बाकी गाइस आप लोग बताना जो हमने किया वो सही किया गलत किया, सारी चीज़ें आपके सामने। और यार कोई लड़की ना अपना घर छोड़ के आती है आपके लिए कि हाँ, कि मतलब पूरा ट्रस्ट ये करती है कि कोई नहीं तो कम से कम आप उसका साथ दोगे। जब दुनिया एक तरफ होगी तो अकेले आप उसका साथ दोगे, बट अगर आप उस टाइम पे भी उसका साथ नहीं देते हैं तो लड़की टूट जाती है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, किसी का भरोसा मत तोड़ो। बाकी आप लोग बताना जो हमने किया सही किया गलत किया। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन प्रेस करके रखा होगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नीचे हमारी इंस्टा आईडी आ रही होगी, उस पर मुझे फॉलो करो, अभी को फॉलो करो। कोई भी प्रॉब्लम हमें DM करें, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन दूंगा। एंड मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।